इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों ने किया संघर्ष। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को शत शत नमन। शाह और नड्डा के भी कांग्रेस से सवाल, बोले कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। कांग्रेस में अभी भी आपातकाल वाली मानसिकता क्यों है? कांग्रेस ने चीन को लेकर सरकार को घेरा। अधीर रंजन बोले, चीनी सेना को हर हाल में हमें पीछे धकेलना होगा, सेना दुश्मन पर करे पलटवार। इससे पहले भी अधीर रंजन ने चीन के साथ सीमा विवाद पर सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के बयान पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि चीन के साथ सैन्य बातचीत सकारात्मक रही या नहीं, इसका जवाब दे सेना अध्यक्ष। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के गुप्त ठिकाने तक पहुंचे जवान, अड्डे में छुपने और लड़ने के पक्के इंतजाम। आज भी तो आतंकियों का सफाया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। तकरीबन हर रोज सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और पिछले कुछ दिनों में दर्जनों आतंकियों को सेना ने मार गिराया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 16,922 नए मामले आए हैं, जो लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। अब देश में संक्रमण के कुल मामले 4,73,105 हो गए हैं, जिनमें से 1,86,514 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,71,697 लोग ठीक डिस्चार्ज या माइग्रेट हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 418 मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 14,894 हो गई है। कोरोना को लेकर WHO का बड़ा बयान। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधेनॉम ने बुधवार को कहा कि अगले हफ्ते के अंदर दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि आउटब्रेक के पहले महीने में WHO के सामने 10,000 मामले आए थे, पिछले एक महीने में लगभग 40 लाख मामले सामने आ चुके हैं।